एक बार फिर से रोजी रोटी की तलाश में पलायन करने वाले बिहारी मजदूरों के साथ बड़ा हादसा। महाराष्ट्र में दस्ताने फैक्ट्री में आग लगने से मधुबनी के 4 मजदूरों की मौत। देर रात को हुई हादसे के दौरान फैक्ट्री में सोए थे दर्जन भर मजदूर, 6 मजदूर जिंदा जले, बाकी के 6 बाहर निकलकर भागने में सफल। महाराष्ट्र सरकार ने मृतक मजदूरों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। हर बार की तरह इस बार भी असंवेदनशील बना रहा बिहार सरकार। महाराष्ट्र में दस्ताने फैक्ट्री में आग लगने से मधुबनी के 4 मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों में मधुबनी के लदनिया थाना क्षेत्र के डलोखर गांव के 3 लोग और बाबूराही थाना क्षेत्र के 1 प्रवासी मजदूर शामिल हैं। सभी रोजी रोटी की तलाश में अपने गांव से हजारों मील दूर महाराष्ट्र के मुंबई शहर गए थे। घटना बीते रविवार की देर रात महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में हुई। हादसे के समय फैक्ट्री में दर्जन भर मजदूर सो रहे थे। फैक्ट्री में आग लगने के बाद कुछ मजदूर अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हुए, वहीं कुल 6 मजदूर जिंदा जल गए। दस्ताने फैक्ट्री में आग लगने से मजदूरों की मौत की सूचना गांव पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। गांव से परिजन मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। सभी मृतक दस्ताना फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और 6 माह पूर्व अपने गांव से गए थे। बहरहाल एक साथ 4 लोगों की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जगह कमाओं की मौत हो जाने से परिजनों और मासूम की परवरिश की समस्या हो गई है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र सरकार ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख मुआवजे की घोषणा की है। वहीं इतना बड़ा हादसा बिहार के बाहर बिहारी मजदूर के साथ होने के बावजूद बिहार सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। सभी मृतक अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और काफी गरीब हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कब तक बिहार के लोग रोजी रोटी की तलाश में पलायन कर इस तरह से अपनी जान गंवाते रहेंगे और सरकार संवेदनहीन बनी रहेगी। मधुबनी से संतोष मंडल की रिपोर्ट। रह गई कि बाहुबली की प्रशासन या बाहुबली की कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वहाँ से भी फैमिली या किसी भी परिजन को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है या किसी भी मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है। हम ग्रामीण इस मांग करते हैं कि इस परिजन को कम से कम 50 लाख का मुआवजा मिले और परिजन जो है उसके बेटी के नाम से उसका इंश्योरेंस बने। मालूम पड़ा हम लोगों को भी कि क्या तो कहते हैं मरगूब को कंपनी में आग लग गई है जिनके जरिए उनकी मौत हो गई है, और हमारे बगल के गांव डलोखर है वहां के भी 3 लोग हैं मजदूरी कर रहे थे वहां, वो भी 3 लोग मर गए आग की वजह से, चपेट में आने की वजह से। आग लगा कैसे ये आप लोगों को जानकारी है? ये अभी तक महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र की पुलिस अभी तक पुष्टि नहीं की है कि किस कारण आग लगा है। जी अच्छा, महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा क्या आप लोगों को अभी तक कोई मुआवजा की राशि वगैरह दी गई? अभी तक कोई राशि का भी ऐलान नहीं किया गया है, न बिहार सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। जी बताइए, घटना जो घटी है महाराष्ट्र में जो आग लगी दस्ताने की फैक्ट्री में, आप लोग को जानकारी कब मिली कि आपके परिजन की जो है इस हादसे में मौत हो गई है? हमारे जो परिजन मरगू भाई वहाँ महाराष्ट्र के संभाजी नगर में जो रहते थे, तो उस फैक्ट्री में लगभग 15 आदमी काम कर रहा था, जिसमें 2-3 आदमी बाहर वहाँ किसी आग क्या खिड़की के जरिया या छत के जरिया कूद करके निकला। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद हम लोग को घर कॉल आता है कि जो मृतक मरगूब आलम है उसका आधार कार्ड भेजा जाए। तो हम लोगों ने सवाल किया कि भाई ये रात के 2 बजे आधार कार्ड क्यों भेजे, तो उसके बाद डार्क में हम लोग को रखा गया। सुबह में जाकर के क्लियर हुआ कि महताब आग के चपेट में आकर के उसकी मौत हो गई है। जी इनके मतलब शादी कब हुई हो रखी? आज से 6-7 साल पहले शादी हुई है। बच्चे? 2 बच्चे हैं और 1 बच्चे होने वाला है, उनकी पत्नी हॉस्पिटल में है जिनका ऑपरेशन होना है। उनको जानकारी है इस घटना की? हम लोग उसको अभी जानकारी नहीं दिए हैं क्योंकि मंथली पूरा हो गया था 9 मंथ, क्योंकि अगर इस पीरियड में अगर उसको कुछ कहा जाए तो हमारी जो भाभी है उसके साथ भी कुछ घटना हो जाए, इसके वजह से हम लोग उसको नहीं बताए। आप कौन हुए मृतक के? मृतक के हम भाई हुए, हमारे पड़ोसी है मरगूब भाई। मृतक कितने भाई है? मृतक 4 भाई है। चार भाई जी। मृतक कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर के भाई।